देख सकते हैं धूप हुआ है, लेकिन इस साइड में धूप नहीं है, इस साइड में पूरा आपका ये बादल ही बादल है। अब भी देखने वाले अगर कभी आएंगे तो फैज भाई को कांटेक्ट करो। और बहुत देखिए क्या कर रही है, चलिए अच्छा अच्छा से चमकाइए, अच्छा से चमकाइए, देखिए गाड़ी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह का अभी 8 बज रहा है और मौसम बहुत ही सुहाना हुआ हुआ है। आज रोपवे जाने का बात था हम लोग का, तो रिहान भाईजान का मैसेज आया मेरे पास कि आज हम लोग निकल जाएंगे वापस, तो उनका जाने का कल का था लेकिन आज वो अचानक से जाने वाले हैं, तो अभी उनके पास मिलने जाएंगे। आज आपका व्यू दिखाते हैं, बारिश के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया हुआ है, आप देख सकते हैं धूप हुआ है लेकिन इस साइड में धूप नहीं है, इस साइड में पूरा आपका ये बादल ही बादल है। फूल बहुत अच्छा हुआ है, फूल हो के बारिश हो के सारा फूल आपका झुक गया है। तो अब हम लोग जाएंगे रेहान भाईजान के पास, उनसे मिलेंगे, थोड़ी देर ऐसे घूमेंगे, उसके बाद फिर उनको पहुंचाने जाएंगे। वीडियो के एंड तक ये है अलग परेशान, हमको देखती है आ जाती है खाना के लिए, देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं, भाईजान खड़े हैं, अब उनको पहुंचाने के लिए हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो छोड़ के फिर वापस लौटेंगे। यहाँ पे देखिए आयु भाई गाड़ी धो रहे हैं, तब आज छुट्टी है आपका, चलिए अच्छा अच्छा से चमकाइए, अच्छा से चमकाइए, देखिए गाड़ी चमक रहा है, कभी कभी हम लोग का भी गाड़ी धो दीजिए। खतरनाक है ना, इसमें अगर जाम में फंसे ना तो कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट फंस जाएंगे जाम में, लेकिन अभी हम लोग निकल गए ऊपर। ये हम लोग का प्यारा सा टॉय ट्रेन दोस्तों, देखिए रास्ते में हमें क्या दिख, अरे यार ये क्या है, ऑटो, वो भी दार्जिलिंग में, देखिए ऑटो चल रहा है दार्जिलिंग में गाइस। दोस्तों ये पंखावाड़ी का रास्ता जो शॉर्टेस्ट पड़ता है आपका एयरपोर्ट के लिए, तो हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं लोग, रास्ता बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता है, आपको कहीं पर भी ख़राब रास्ता नहीं मिलेगा। ये एक ब्रिज आता है छोटा सा, ये जगह का नाम है दूधे, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, ये पिकनिक स्पॉट है, ज़्यादातर यहाँ पे न्यू ईयर के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं रिवर बह रहा है छोटा सा, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। और ये प्यारा सा फॉरेस्ट, आपके दोनों साइड में पाइन ट्री है, अगर वेदर क्लियर हो ना तो आपको ये रास्ता बहुत मज़ा आने वाला है, वेदर बस क्लियर रहना चाहिए। अब हम लोग कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, इसके दोनों साइड में टी गार्डन है, आप चाहे तो रोक के यहाँ पे फोटोज वगैरह ले सकते हैं, ये रास्ता बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स भाईजान से पूछते हैं, भाईजान को दार्जिलिंग घूम के मेरे साथ घूम के कैसा लगा, भाईजान तो बताइए आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा। दार्जिलिंग बहुत अच्छा है और फैज भाई ने तो बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया, बहुत मज़ा आया, एकदम अपनापन था इसमें। और आप भी देखने वाले अगर कभी आएंगे तो फैज भाई को कॉन्टेक्ट करो, और बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत अच्छी सर्विस। थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाईजान से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह ठीक है भाईजान, अच्छे से जाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों भाईजान को छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।